हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक द्विबीजपत्री जड़ अर्थात डाइकॉट रूट की आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे और उस चित्र को बनाते बनाते ही आप इन विभिन्न भागों के बारे में बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए देखें इसका चित्र कैसे बनता है। देखिए, जड़ के सबसे बाहर एक स्तरीय परत होता है जिसको बाह्य त्वचा एपिब्लेमा कहा जाता है। तो देखिए, इस तरह से सिंगल लेयर का एक स्तर पाया जाएगा। इसमें बीच बीच की कोशिकाएं इस तरह से बाहर की ओर एक कोश के मूल रोम का निर्माण करते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। जड़ों में एक कोश के मूल रोम पाया जाता है जबकि तनों में बहु कोश के रोम होते हैं। तो हो गया इसका फर्स्ट लेयर, ये कहलाएगा बाह्य त्वचा या एपिब्लेमा। जड़ की सबसे बाह्य परत है, एक स्तरीय है और इस पर एक कोशिकीय मूल रोम उपस्थित हैं। अब उसके बाद सेकेंड आता है वलकुट या कार्टेक्स। तो देखिए, इसके नीचे चारों साइड से कार्टेक्स घेरा होगा, लेकिन उसको भरने से पहले हम इसके संवहन पुल को बांधे हुए जो पेरिसाइकल परिरंभ होता है उसको बना लें। तो इस तरह से एक गोलाकार यहाँ पे संरचना बनाएंगे और ये जो कार्टेक्स है, इसी कार्टेक्स का भीतरी परत की कोशिकाएं इस तरह से ढोलक के आकार की हो जाती हैं। देखिए, अभी मैं तुरंत कार्टेक्स को भी बना दूंगा, लेकिन ये समझिए कार्टेक्स का ही सबसे निचला परत है। इस तरह से देखिए, ये भी कार्टेक्स का ही परत है, लेकिन इसकी कोशिकाएं इस तरह से व्यवस्थित हो गए हैं कि इनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतराकोश के अवकाश नहीं है। ये देखिए, ये जो परत है ये इसका तीसरा है, अंतः त्वचा इंडोडर्मिस। इसके ऊपर ये जो पूरा भाग है इस पर होगा कार्टेक्स। तो कार्टेक्स को इस तरह से आप इस तरह से गोलाकार संरचना बनाते जाएं। ये पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। ये देखिए, इस तरह से ये पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का बना है। कौन सी कोशिकाएं? पेरेन्काइमा, मृदक कोशिकाओं का बना है। इनके बीच बीच में देखिए, इस तरह से अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। एक कोशिका दूसरे कोशिका से पूर्णतः इस प्रकार ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है कि इनके बीच में देखिए कोई गैप नहीं है, लेकिन इनके बीच में छोटा छोटा रिक्त स्थान पाया जाता है। इसी को कहा जाता है अंतराकोशिकीय अवकाश। तो इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। अब उसके बाद आएगा अंतः त्वचा या इंडोडर्मिस। ये देखिए, ये है अंतः त्वचा इंडोडर्मिस, कार्टेक्स का ही सबसे निचला परत। ये ढोलक के आकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है और इनके बीच में किसी भी तरह का अंतराकोश के अवकाश नहीं पाया जाता। और ये भी सिंगल लेयर है, एक स्तरीय परत है देखिए। और इस कोशिकाओं पर एक मोम युक्त पदार्थ जिसको कि सुबेदीन कहते हैं, इससे बना हुआ कैस्परी पट्टियां पाए जाते हैं। किसी पदार्थ में मोम घिस दीजिए तो पानी के लिए पारगम्य हो जाता है, अर्थात इसके भीतर जो पदार्थ होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, खासतौर पर पानी। तो इसमें कुछ कोशिकाओं में नहीं भी होता,
उसको जब मैं नीचे चित्र बनाऊंगा तो आगे स्पष्ट करते हैं। देखिए इसके नीचे, इस अंतस्त्व त्वचा के नीचे एक परिरंभ या पेरिसाइकल पाया जाता है, और ये भी सिंगल स्तरीय है, तो उसको भी इस तरह से बना लेते हैं। देखिए ये इस तरह से बना सकते हैं। चूंकि एक ही कलर में चित्र बनाएंगे तो इसीलिए मैं इसका आकार भी अलग अलग दे दे रहा हूं। ये देखिए ये जो परत है ये परत कहलाएगा परिरंभ या पेरिसाइकल। इसका विशेषता है कि ये जो मृतक है, हालांकि ये तो पूरे मृतक के ही बने हैं, पेरेन्काइमा के ही पूरे बने हैं, लेकिन ये पतली भित्ति वाला होता है और ये मोटी भित्ति वाला होता है। ये वेस्कुलर बंडल संवहन पुल को बांधे रखता है, इसके नीचे आता है संवहन पुल। तो ये हो गया इसके बारे में। और ये काम क्या करता है, देखिए ये संवहन कैम्बियम का निर्माण करता है, और द्विबीजपत्री जड़ों में जो पार्श्व मूल मतलब मुख्य जड़ से जो अन्य द्वितीयक जड़ें निकलते हैं उन सबका निर्माण करने के लिए भी यही प्रेरित करता है। तो ये हो गया इस पेरिसाइकल या परिरंभ के बारे में। इसके नीचे आता है संवहन पुल। तो देखिए द्विबीजपत्री है तो इसमें संवहन पुलों की संख्या 2 से 4 तक होगा, एक बीजपत्री है तो उसमें 6 से 8 तक होते हैं, 6 से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर जब हम संवहन पुल बनाएंगे तो हमको ध्यान रखना है कि इसमें संवहन पुल देखिए किस तरह के होंगे। इसमें जाइलम 108 प्रकार का होगा, अर्थात जो प्रोटोजाइलम होगा वो बाहर की तरफ। यदि मैं यहाँ पर एक प्रोटोजाइलम बनाता हूँ तो इस तरह से हमको धीरे धीरे ऐसे इसको बड़ा करते जाना है। ये मेटाजाइलम जो बाद में बना, प्रोटोजाइलम मतलब पहले बना, पहले बना वो छोटा होता है, बाद में बना वो बड़ा होता है। तो इस तरह से हमको 2 से 4 दिखाना है इसमें, तो 4 बना देते हैं। ये बन गए, चाहे तो आप इसमें ऐसे डबल घेरा कर दीजिए ताकि ये और स्पष्ट हो जाए। ये है जाइलम, जाइलम में भी ध्यान दीजिए बाहर की तरफ छोटा अर्थात प्रोटोजाइलम और केंद्र की तरफ बड़ा अर्थात मेटाजाइलम। तो इस प्रकार का जाइलम का व्यवस्था ये कहलाता है एक्स आर्च जाइलम। और इसमें ध्यान दीजिए जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में एक के बाद एक जिसको कि अरीय क्रम कहते हैं उसमें लगे होते हैं। तो यहाँ ये जाइलम हो गया, तो यहाँ पे हम फ्लोएम दिखा देंगे। ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम। इसकी कोशिकाओं को भी ऐसे बना देते हैं, इसमें भी चाहें तो आप इस तरह से इसे डबल कर दीजिए ताकि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये आपको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए अब इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में सयोजी ऊतक भरा होता है जिसको कि हम कहेंगे कंजेक्टिव टिश्यू। तो इसमें भी भर देते हैं इसको पूरा। चलिए इसको भी मैं अलग कलर से ही कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके बीच में सयोजी ऊतक इस तरह से आप भर सकते हैं। इसमें ये मूल रोम इसको पानी को अवशोषित करके ऐसे लाकर इन जाइलम तक पहुंचाते हैं। तो जहां पर जाइलम है ये देखिए यहां पर जो इंडोडर्मिस की कोशिका है, इन कोशिकाओं में ये कैस्परी पट्टियां नहीं पाए जाएंगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर। तो बाकी जगह हम उसको इस तरह से दिखाएंगे। ये हो गया कैस्परी पट्टियां कैसे बने हैं, मोम के सुबेरिन युक्त हैं, इनके द्वारा जो भीतर का जल वगैरह है वे बाहर नहीं आ पाते। इस तरह से देखिए ये एक तरफ से इन कोशिकाओं में जल के स्थानांतरण को रोकेगा। यहां पर क्यों नहीं पाया गया, क्योंकि इनके द्वारा पानी आगे बढ़ेगा, तो ये मार्ग कोशिकाएं कहलाते हैं, इन मार्ग कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया, थोड़ा सा मैं नामांकन कर देता हूं और इसके बगल को आप हल्का हल्का ऐसे करके मिटा दीजिए तो चित्र बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हो गया इसका नामांकन। अब इसको एक बार और अच्छे से समझिए। देखिए द्विबीजपत्री जड़ के सबसे बाहर बाह्य त्वचा या इपिब्लेमा पाया जाता है। यह एक स्तरीय परत है सिंगल लेयर का बना हुआ, जिस पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं।
इतना लिख सकते हैं आप इसके बारे में। उसके बाद आएगा वल्कुट या कार्टेक्स। इस बाह्य त्वचा के नीचे बहुस्तरीय वल्कुट या कार्टेक्स पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा कोशिका मृदुतक का बना होता है। इन कोशिकाओं के बीच बीच में देखिए ये जो खाली स्थान है, एक कोशिका दूसरे कोशिका से जहां पर जुड़े हैं तो कुछ कुछ स्थान टच है और कुछ स्थान पर टच नहीं है, उस स्थान को अंतराकोश के अवकाश इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये जो बीच में रिक्त स्थान बच जा रहा है सबको, तो ये पाए जाते हैं। ये हो जाएगा इसके बारे में। उसके बाद आता है अंतर त्वचा। तो देखिए इसके बारे में बताएंगे कि वल्कुट या कार्टेक्स का सबसे जो निचला परत है, भीतरी परत, ये इंडोडर्मिस या अंतर त्वचा कहलाता है। इसकी कोशिकाएं ढोलक के आकार की होती हैं और इनके बीच में अंतराकोश की अवकाश नहीं पाया जाता। ये देखिए इनमें सब में होता है, इसमें नहीं पाया जाता। और इसमें मोम युक्त पदार्थ जिसको सुबेरीन कहते हैं उससे बना हुआ कैस्परी पट्टियां पाई जाती हैं कुछ कोशिकाओं को छोड़कर। इसमें जो कुछ कोशिकाएं ये दिख रहे हैं जो, इनको कि मार्ग कोशिका कहते हैं। किसके लिए मार्ग है ये? ये यहां से ये जो मूल रोम है ये जड़ से जमीन से जब जल को अवशोषित करते हैं, केशिका जल को अवशोषित करते हैं, ये जल ऐसे बढ़ते हुए इसी मार्ग कोशिकाओं से होते हुए जाइलम में जाता है। जाइलम का कार्य ही है कि खनिज लवण और जल को अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब मान लीजिए यहाँ जल अवशोषित हो गया तो बाकी हिस्सों से ऐसा नहीं कि जल बाहर निकल जाए, तो इसका कार्य भी समझ लिए कि इसमें जो एक कैप्सरी पट्टियां हैं ये इसके भीतर जो जल और अन्य पदार्थ हैं उसको बाहर जाने से रोकता है। तो इस तरह से कुछ हिस्सों पर ये नहीं पाया जाएगा। ये हो गया अंतस्थ त्वचा के बारे में। उसके बाद आता है परिरंभ या पेरिसाइकल। तो देखिए अंतस्थ त्वचा के नीचे ये जो बाकी हिस्सा है, परिरंभ और ये संवहन पुल और मज्जा, ये तीनों मिल करके रंभ या स्टील कहलाते हैं। ये सबको एक साथ मिला करके हम कहेंगे स्टील। इसका पहला हिस्सा है परिरंभ, पेरिसाइकल। तो इंडोडर्मिस के नीचे ये भी सिंगल लेयर का एक स्तरीय परत देखिए परिरंभ पाया जाता है। और इसकी जो कोशिकाएं हैं ये मोटी भित्ति युक्त हैं, ये पतला भित्ति युक्त है, तो ये मोटी भित्ति युक्त मृदुतक कोशिका पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। और इसका कार्य क्या है देखिए, संवहन कैम्बियम, द्विबीजपत्री पौधा है तो मोटाई में वृद्धि करता है, द्वितीयक वृद्धि भी होते हैं तो इसलिए इनमें कैम्बियम पाया जाता है। तो ये संवहन कैम्बियम का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ देखिए पार्श्व मूल का भी निर्माण को प्रेरित करते हैं। जो पार्श्व मूल निकलते हैं एक जड़ से अन्य जो शाखाएं निकलते हैं उसका निर्माण का प्रेरण भी इसी के द्वारा होता है। तो ये हो गया परिरंभ या पेरिसाइकल के बारे में। उसके बाद आता है संवहन पुल। इसको आप वेस्कुलर मंडल या वेस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक या शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। ये कैसा होता है? अरीय प्रकार का। अरीय संवहन पुल उसको कहते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में लगे हों, एक साथ न लगे हों, एक के बाद एक। देखिए यहाँ फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, तो इस प्रकार का व्यवस्था को कहते हैं अरीय, रेडियल प्रकार का संवहन पुल। तो इसमें संवहन पुल अरीय होता है। दूसरा खुला, खुला संवहन पुल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, द्विबीजपत्री है चाहे वो जड़ हो या तना हो तो उसमें कैम्बियम होगा ही। तो इसमें कैसा संवहन पुल होगा? खुला। और जिसमें नहीं होता उसको बंद प्रकार का संवहन पुल, तो इसमें खुला संवहन पुल पाया जाएगा। जाइलम एक साथ प्रकार का होता है। इसमें देखिए जाइलम में इस प्रकार का व्यवस्था है कि जो पहले बना जाइलम है जो छोटे आकार का दिख रहा है ये परिधि की ओर, और जो बड़ा जो बाद में बना है जिसको मेटा जाइलम कहते हैं ये केंद्र की ओर होता है। तो ऐसा व्यवस्था ये कहलाता है एक्स आर्च। ये देखिए तो इसमें जाइलम एक्स आर्च प्रकार का होता है। और उस संवहन पुल की संख्या, इसमें इसका संख्या देखिए, तो इन दोनों को मिला के एक संवहन पुल तो कितना है, एक दो ये तीन हो गया, ये चार, मतलब इसमें दो से चार तक होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में। यदि आपको पहचानने के लिए बोला जाए तो आप इसी को देख के बता सकते हैं। यदि संवहन पुल दो से चार के बीच में है तो द्विबीजपत्री होगा, और चार से अधिक अर्थात छः से अधिक है मान लीजिए तब वो एक बीजपत्री होगा। तो ये हो गया संवहन पुल के बारे में। उसके बाद आएगा संयोजी ऊतक। यहाँ पर संयोजी ऊतक को कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे। यहाँ ध्यान रखिए जाइलम और फ्लोएम, ये देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो कोशिकाएं हैं ये भी मृदुतक कोशिकाओं के बने हैं, लेकिन इनको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू नहीं कह के क्या बोलेंगे हम, कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और लास्ट आ जाएगा मज्जा या पित्त। द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना में ये अल्प विकसित, अस्पष्ट, छोटा या फिर अब्सेंट भी हो सकता है। तो बीच में छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है यही कहलाता है पित्त या मज्जा। तो इस तरह से आप इसके विभिन्न भागों के बारे में चित्र बनाते बनाते ही समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।